परीक्षा से घबराए ना। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड, आराम्या ज्वेल्स, एटर्नल सॉल्यूशन। नमस्कार, मैं पल्लवी, आप देख रहे हैं MMPP आवाज। स्वागत है आपका खास कार्यक्रम टॉप मेंटर में। आज हम पहुंच चुके हैं अशोक विहार के प्रूडेंस स्कूल में, जहां पर आप जानते हैं आने वाली 26 तारीख से 10वीं और 12वीं के स्कूल एग्जाम होने वाले हैं। आइए इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ यहाँ के प्रिंसिपल मौजूद हैं, CB मिश्रा जी। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि शिक्षा नीति पे 10वीं और 12वीं के एग्जाम को लेकर उनके पास क्या खास है। नमस्कार सर, स्वागत है आपका MMPP आवाज में। नमस्कार जी। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि 10वीं और 12वीं के एग्जाम आने वाले हैं, तो उसके लिए पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये परीक्षाएं जो शुरुआत हो रही हैं, सबसे पहले तो कोविड की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए मैं अनुग्रह करूंगा कि जब तक आवश्यकता ना हो तो वो अपने घरों से बाहर ना जाएं, भीड़ से अवॉइड करें, मास्क को जरूर लगाएं, सैनिटाइजर को और इस्तेमाल करें, हाथ को अवश्य धोएं और खास तौर से दूरी भी बनाए रखें जहां पे उनको डाउट है कि इनको कहीं खांसी जुकाम या बुखार इस तरह से है। सबसे पहले तो इस चीज़ को इंस्ट्रक्शन पे अपने लेके चलें। नंबर दूसरी बात यह है कि इस परीक्षा से घबराए ना। जब भी वो सेंटर में जाएं, थोड़ा सा समय से पहले निकले। गाइडलाइंस को उनको एडमिट कार्ड इशू हो चुका है, ये एक इस तरह का एक एडमिट कार्ड उनको इशू हो चुका है। इस एडमिट कार्ड के ऊपर उन्होंने 12 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि वो सारे के सारे 12 पॉइंट्स को स्पेशली पढ़े, जिसके अंतर्गत जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसको वो फॉलो करें। अगर तब भी उनको कोई डाउट इसमें लगता है या किसी तरह का उनको कष्ट है तो वो अपने विद्यालय में जाके अपने प्रधानाचार्य से या अपने टीचर से संपर्क करें और उसी हिसाब से अपनी समस्याओं का समाधान करें। इस परीक्षा में अभिभावकों के लिए आपको क्या लगता है कि उनका रोल महत्वता निभाता है, तो उनके लिए आपके पास क्या संदेश है? देखिए, अभिभावक सबसे पहले मैं कहूँगा कि पेरेंट्स को कि वो अपने समय को जरूर देखिए, बच्चे को समय से जरूर सेंटर के ऊपर लेके जाए। इस समय वो सेंटर के, क्योंकि एक थोड़ी सी प्रैक्टिस हो चुकी थी, घर पे बच्चा बैठ के परीक्षाएं दे रहा था, घर पे वो स्कूल में जाते वक्त उसको टाइम लग रहा था क्योंकि उसका टाइम टेबल शेड्यूल घर से शुरू चल रहा था। इस समय सेंटर पे पहुंचने के लिए, क्योंकि आने वाले टाइम पे ट्रैफिक भी मिल सकता है, सेंटर के बाहर सैनिटाइजर और इन सबको इस्तेमाल करते हुए अंदर जाने के लिए टाइम भी लगेगा, तो मेरा अनुरोध है कि समय से वो पहले सेंटर पे जाए, नंबर एक। नंबर दो, विद्यार्थियों से, वो अपने बच्चों से बड़े प्रेम भाव से उनकी समस्याओं के समाधान करें, उनकी बातों को सुनें। अगर उनको कोई कष्ट है या कोई समस्या है तो उसका समाधान करें और उनकी बातों को ध्यान रखते हुए उनको समय दें। सबसे पहले इस समय बच्चों को समय की आवश्यकता ज़्यादा है और घर पे बैठ के वो किसी भी प्रश्न पत्र को लेके वो उसकी बार बार प्रैक्टिस कराए। 3 घंटे की प्रैक्टिस करानी बहुत जरूरी है। वो या तो विद्यालय में आके प्रैक्टिस करे या घर पे बैठ के प्रैक्टिस करे। अगर वो 3 घंटे का लगातार प्रैक्टिस करेगा और कम से कम 8 से 10 पेपर वो कर लेगा तो उसको परीक्षा में बैठ के एग्जाम देते वक्त कोई समस्या नहीं आएगी। तो मेरा अनुरोध है कि वो आराम से ज़्यादा प्रैक्टिस करे, लिखे और माँ बाप उसके लिए उन बच्चों का सहयोग प्रदान करें। सर, आपने प्रैक्टिस की बात की है। कोविड के प्रोटोकॉल के अंदर हमने देखा है कि ऑनलाइन क्लासेस बच्चों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई है, तो उसके लिए आपको क्या लगता है कि अब ऑनलाइन से यहाँ पर शिफ्ट होना दोबारा कितना मुश्किल रहेगा बच्चों के लिए और उसके लिए क्या करना चाहिए? ऑनलाइन क्लासेस मैं कह सकता हूँ कि वरदान के रूप में है। इस ऑनलाइन के क्लासेस की वजह से बच्चों को एक चॉइस मिला है, जिसमें चॉइस में वो एक अध्यापक से नहीं, कई अध्यापकों से, जैसे मैंने पहले कहा, कई अध्यापकों से पढ़ सकता है, उसका समय बचता है, वो कई चीज़ों को देख सकता है, कई बार एक चीज़ को बार बार सुन सकता है, वो अपने टीचर से बार बार संपर्क साध सकता है। तो जहाँ टेक्नोलॉजी है वहाँ उसका सहयोग है, लेकिन शर्त यह है कि उस टेक्नोलॉजी का वो सही रूप से इस्तेमाल करें।
तो सहयोग अगर टेक्नोलॉजी को अगर सही रूप से इस्तेमाल कर रहा होगा तो उसका सहयोग मिलेगा। ऑनलाइन से ऑफलाइन से कुछ होने से कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि ऑफलाइन पे आने के बाद वो टीचरों से संपर्क साथ रहे, और अगर उसको ऑनलाइन पे कोई समस्या समझ नहीं आ रही है, कोई उसका दिक्कत है सब्जेक्ट में, वो टीचरों से संपर्क के अपनी समस्या को समाप्त कर रहा है, तो ये उसके लिए सहयोग है। लेकिन सर ऑनलाइन में हमने देखा है कि बच्चों की लिखने की क्षमता कम हुई है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये बात आपकी मैं बहुत मानूंगा कि बच्चों की लिखने की क्षमता कम हुई है, लेकिन उनकी लिखने की हैबिट जो है वो कह सकते हैं कि व्हाट्सएप पे वो डिजिटल बहुत स्पीड से बढ़ गई है, वो डिजिटली बहुत साउंड से तेजी से लिख रहे हैं। उसके लिए मैंने जैसा कहा अभी आपके पिछले प्रश्न के उत्तर में कि वो बच्चा अगर लिखने की प्रैक्टिस करना शुरू कर देगा तो उसको वो 3 घंटे का लिखने का स्पीड जो है वो बन जाएगी, एक सिस्टम पता चल जाएगा मुझे कितने समय के अंदर कैसे लिखना है, ये उसको रियलाइज हो जाएगा और उससे उसको मदद मिलेगी। तो मेरे हिसाब से अगर वो इस तरीके से लेके चल रहा होगा, प्रैक्टिस कर रहा होगा, तो उसको लिखने की समस्याएं उसके सामने नहीं आएंगी, वो आराम से अपनी कष्टों को अपने लिखने वाली समस्या को दूर कर सकेगा। रही बात हैंडराइटिंग की और इन सब की, तो वो प्रैक्टिस जब कर रहा होगा, लिख रहा होगा, एक बार फ्लो बन जाता है, ऐसा नहीं है कि वो लिखने की प्रैक्टिस उसकी पूरी छूट चुकी है, वो अवश्य किसी ना किसी तरीके से जब वो प्रैक्टिस करेगा लिखने की बार बार कोशिश करेगा तो वो 3 घंटे बैठेगा लिखने में तो जरूर सक्सेस होगा। सर आने वाले एग्जाम में आप क्या प्रेफर बच्चों को करेंगे कि कौन से सपोर्ट मटेरियल का वो यूज कर सकते हैं और क्या और भी चीजें हैं जो वो यूज करके एग्जाम दे सकते हैं? देखिए मैं सबसे पहले कहूंगा कि CBSE के सैंपल पेपर CBSE की वेबसाइट के ऊपर दिए हुए हैं, NCERT के कुछ बुक्स को वह इस्तेमाल करें, CBSE की वेबसाइट के अंदर जो सैंपल क्वेश्चन पेपर है उसको ले। दिल्ली सरकार ने भी अपनी वेबसाइट के ऊपर दिया हुआ है, केंद्रीय विद्यालय ने भी सरकारी तंत्रों के द्वारा सरकारी वेबसाइट जो उनके संगठन की वेबसाइट है या रीजनल वेबसाइट्स हैं उसमें कुछ क्वेश्चन पेपर्स के सैंपल्स दिए हुए हैं। तो मैं बच्चों से अनुग्रह करूंगा कि वो सैंपल पेपर की या स्टडी मटेरियल वो वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं और उसको आराम से उसको पढ़ें। इसमें उनका 50% जो सिलेबस आ रहा है, जितना गाइडलाइंस उस पर दिया है उस पर ध्यान दें, और वो ज्यादा पढ़ने की, ज्यादा किताबों को रेफरेंस करने की आवश्यकता नहीं है, वो अगर सिर्फ NCERT को और सैंपल क्वेश्चन पेपर पे ध्यान दे देंगे तो मुझे लगता कि वो किसी भी प्रकार से असफलता रहेंगे, वो असफल अवश्य होंगे और अच्छे नंबर भी प्राप्त कर पाएंगे। कोरोना गाइडलाइंस को लेके इस बार एग्जाम की जो व्यवस्था है बैठने की बच्चों की, वो क्या होने वाली है? ये आपका बहुत सही सवाल है। पहले कोरोना से पहले 24 बच्चों को एक कमरे में बैठाते थे जिसमें हम 4 रो के अंदर 6-6 बच्चों को लेके चलते थे। इस समय हमने 4 रो से फिर हमने इसको 12 बच्चों के बीच में CBSE ने किया। इस वर्ष कोरोना के थोड़ा सा जो कम हुआ तो इसमें हमने 18 बच्चों का किया, 3 रो में 6-6 बच्चों की लाइन लगाई है। तो इस तरीके से 24 से 18 बच्चे उसमें बैठे हुए हैं और उस बेसिस पे वो काम कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये 24 से 18 के बच्चों के बीच में की व्यवस्था जो है वो सुरक्षित है, उसमें बच्चा सुरक्षित भी है। सर हमने देखा है कि जो पेपर्स की इंस्ट्रक्शन है उसमें कुछ र्यूमर्स को लेकर बात की गई है, मैं जानना चाहूंगी वो कैसे र्यूमर्स है जिनसे बच्चों को दूर रहना चाहिए। सबसे पहले ये फेक जो व्हाट्सएप चलते रहते हैं उसके ऊपर सबसे पहले उसको दूर रहना चाहिए। फेक व्हाट्सएप पे कई मैसेजेस गलत आते रहते हैं, कई लोग गलत CBSE के वेबसाइट्स को देते रहते हैं, तो मेरा अनुग्रह है कि वो उन वेबसाइट्स को या उन चीज़ों को ध्यान ना दे, वो सिर्फ और सिर्फ जो CBSE की वेबसाइट के ऊपर हैं या NCERT या अपने टीचर के माध्यम से जो दिए हुए उसी पर ध्यान रखें और उसी पर कंसंट्रेट करें और वो अपने किसी भी दूसरे चीज़ों पर ध्यान ना दें। सर मेरा सवाल यह है कि जो COVID-19 के प्रोटोकॉल्स हैं, अब जैसे हम देख रहे हैं कि एक और लहर कोरोना की हमारे सामने, उसका अंदेशा लगाया जा रहा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे, आपके प्रशासन आपके स्कूल के मैनेजमेंट की उसके लिए क्या तैयारियां हैं? देखिए हमने अभी बच्चों को ये कहा है कि जब भी वो बाहर जाएं या मैक्सिमम टाइम जब भी है मास्क को लगा के रखें, सैनिटाइज़र को हाथ को धो के रखें, जिसको थोड़ा सा भी हल्का सा भी फील होता है कि वो उसको वायरल है या खांसी बुखार है वो इस चीज़ को तुरंत जांच कराए और उसका वो अपनी रिपोर्ट लेके आए तभी वो स्कूल को अटेंड करें, ना केवल विद्यार्थी बल्कि टीचर्स को भी, और हम पूरे पेरेंट्स को भी इस चीज़ को आगाह कर रहे हैं कि इस तरह की अगर कोई भी उनको समस्या दिखती है तो वो डॉक्टर से शीघ्र संपर्क करें और दूसरों से गैप दूरी को बनाए रखें।
सर मेरा सवाल है कि जिस तरह से आपने बच्चों को बताया कि क्या क्या उनको पढ़ना चाहिए, किस तरह से लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, लेकिन बच्चों का ध्यान बहुत 90 से अबव मार्क्स लाने का होता है, तो सर उसके लिए 3 टिप्स जो आप बच्चों को बताना चाहेंगे। जैसा आपको ये सवाल है कि 80 नंबर 90 नंबर, इस पे इस समय विद्यार्थी नंबरों के पीछे ना भाग के बल्कि उसके कंटेंट के ऊपर जाए, कॉन्सेप्ट को अपने क्लियर करे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इस बार यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन लेने के लिए उसको कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का एग्ज़ाम का सामना करना पड़ेगा, और वो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की गाइडलाइंस को, जो उसकी 6 तारीख अभी डेट आ रही है, उसमें वो फॉर्म को भरे, उसको आराम से देखे, उसके बेसिस पे तैयारी करे, उसकी कोचिंग की कोई आवश्यकता उसको नहीं है। सबसे पहले वो अपने एप्टीट्यूड लेवल को, स्किल्स लेवल को सेट करे, और उसके बेसिस पे अगर वो तैयारी करता है तो ऑटोमेटिकली वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इन नंबरों के पीछे ना भागते हुए, क्योंकि नंबर के पीछे भागने से नंबर का उद्देश्य सबसे ज़्यादा क्या था, नंबरों का सबसे ज़्यादा उद्देश्य उसका सिर्फ और सिर्फ कॉलेज में एडमिशन लेने का होता था। चाहे वो बच्चा 90 नंबर लेके आ रहा हो, चाहे 99 नंबर लेके आ रहा हो, वो सिर्फ कॉलेज को ही छाटता था, कॉलेज उसी बेसिस पे बांटता था, और कॉलेज की सीटों का नंबर के ये जो गैप था, इसको दूरी करने के लिए नई शिक्षा नीति ने एक सबसे बड़ा अच्छा कदम उठाया कि वो इन परीक्षाओं को हटा के उसने कॉमन एंट्रेंस टेस्ट रख दिया, जिसमें विद्यार्थी अपीयर हो, वो अपने उस अंक को प्राप्त करे, जैसे उसको अंक प्राप्त होंगे वैसे उसको कॉलेज प्राप्त हो पाएगा, और वैसे ही वो करिकुलम या कोर्स को अपने चूज कर पाएगा। तो मेरे ख्याल से नंबर का गेम ना होते हुए अब उसके एबिलिटी के ऊपर, स्किल के ऊपर ज़्यादा गेम खेला जाएगा। सर एग्ज़ाम्स में यूनिफॉर्म क्या होने वाली है, ड्रेस कोड क्या होने वाला है, क्या वो स्कूल यूनिफॉर्म में ही जाएंगे या रेगुलर कोई यूनिफॉर्म लेकर भी वो एग्ज़ाम के लिए जा सकते हैं? देखिए जैसा कि इसमें साफ एडमिट कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है कि विद्यार्थी जो है वो स्कूल यूनिफॉर्म को वियर करे, लेकिन एक बड़ी समस्या ये भी रही है कि इस कोरोना काल में बच्चों की जो यूनिफॉर्म है वो थोड़ी सी कहीं डिस्टर्ब हो गई है, तो उसमें कहीं ना कहीं सेंटर के सुप्रिटेंडेंट लोग उनके जूते को नहीं ध्यान दें, लेकिन सॉक्स पे ध्यान ना दें, बेल्ट पे ध्यान ना दें, लेकिन कम से कम उसकी एक यूनिफॉर्म पे होनी चाहिए। मैं हर पेरेंट्स को अनुग्रह करूंगा कि वो अपने स्कूल में जाके वो बच्चे की यूनिफॉर्म को प्रॉपर कर लें, सिवाय प्राइवेट कैंडिडेट के, प्राइवेट कैंडिडेट को वो किसी भी फॉर्मेशन पे किसी भी तरह की यूनिफॉर्म पे आ सकता है, और जो स्कूल का विद्यार्थी है, किसी भी स्कूल का विद्यार्थी है, वो अपने स्कूल यूनिफॉर्म पे ही एग्जामिनेशन देगा। उसमें कुछ शर्तें हो सकता है, सेंटर सुप्रिटेंडेंट आपको छूट दे देगी, जूते ना हो, सॉक्स ना हो या बेल्ट ना हो, लेकिन मैं ये अनुग्रह करूंगा अगर आपके पास है तो कृपया करके उसको अवश्य पूरी रूप में लेके जाएं और उसको यूनिफॉर्म में ही स्कूल, जिससे कि उसको कोई किसी प्रकार की समस्या ना हो एग्जामिनेशन सेंटर पे। सर आखिर में कंपटीशन को देखते हुए, क्योंकि आजकल हर फील्ड में कंपटीशन बढ़ गया है, बच्चों के लिए, पूरे देश के बच्चों के लिए आपका क्या संदेश है? मैं बच्चों को यही कहूंगा कि सबसे पहले कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान रखें, कंटेंट के ऊपर विशेष रूप से देखें, क्योंकि ये जो अभी एग्जामिनेशन हो रहा है ये इसी एग्जामिनेशन के बेसिस पे वो CUET का एग्जामिनेशन भी देंगे, वो तैयारी उसी लेवल पे तैयारी करें, परीक्षा से घबराएं ना और ना भागें, ये परीक्षाएं एक उत्सव की तरह, जैसे मैंने पहले भी कहा कि वो उसको उत्सव की तरह मनाएं, और ये उत्सव के अंदर जब उत्सव किसी रूप से आता है तो उसको हम खुशी उल्लास से मनाते हैं, और जितने खुशी उल्लास से मनाते हैं हम उसमें उतना ही एंजॉय कर पाते हैं, उतना ही हम उसमें रंग जाते हैं। तो अगर ये परीक्षा के अंदर बच्चा अपने आप को रंग लेगा तो उसको ये परीक्षाएँ बहुत छोटी दिखेंगी और वो एंजॉय कर पाएगा, और वो खुशी खुशी इस परीक्षाओं को समाधान समस्या ना देखते हुए इसमें वो अपने आप को प्रोत्साहित कर पाएगा और अच्छे नंबर भी प्राप्त कर पाएगा। और इस परीक्षा के दौरान एक और चीज़ खास बात है कि वो अपने आप को स्वास्थ्य के रूप में बहुत ध्यान रखे, ऐसा नहीं कि पढ़ने के टाइम पे वो भोजन पे ध्यान ना दे, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान ना दे। इस तरह से मैं माँ बाप से भी अनुग्रह करूंगा कि बच्चों के स्वास्थ्य को लेके इन दौरान खान पान को खास तौर से और स्वास्थ्य को लेके बिल्कुल खास तौर से ध्यान रखें। बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना कीमती समय देने के लिए, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ इस स्कूल के प्रिंसिपल CP मिश्रा जी, जिन्होंने हमें कई बातें बताई, परीक्षाओं से रिलेटेड कई टिप्स भी हमारे स्टूडेंट्स को दिए। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहिए MMPP आवाज़ के साथ।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड, अराम्या ज्वेल्स, एटर्नल सॉल्यूशन।